हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव चैप्टर। तो इस मूवी में हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जिसमें लोगों को पानी पिलाकर सही किया जा रहा है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है लोकहार्ट नाम के आदमी को दिखाते हुए जो शेयर मार्केट में काम करता था। वो अपने ऑफिस में खड़ा होकर बाहर देख रहा होता है कि तभी इस दौरान उसके कुछ दोस्त जाकर उसे न्यू ईयर विश करते हैं और सभी इंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी लोकहार्ट की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है कि अभी कुछ देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है जहाँ उसको बुलाया जा रहा है। वो जब मीटिंग में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जगह जाना है जहां पिछले 250 सालों से काम चल रहा है। ये असल में एक अस्पताल है जहां पर किसी तरह की दवाइयों से नहीं बल्कि सिर्फ पानी से इलाज होता है। अब उसे वहां क्यों भेजा जा रहा है, उसका पहला सवाल होता है। तो उसे बताया जाता है कि कंपनी के CEO मिस्टर पेमरिक उसी हॉस्पिटल में खुद का इलाज करवा रहे हैं। वो छुट्टियां मनाने वहां गए थे लेकिन अब उनकी तरफ से एक लेटर आया है कि बॉस अब कंपनी छोड़ रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए इधर कंपनी वाले लोकहार्ट को वहां जाने के लिए और पता करने को कहते हैं कि वहां जाओ और पता करो कि आखिर वहां क्या चल रहा है। लेकिन वो जाने से मना कर देता है। तो उसके सीनियर्स उससे ये कहकर धमकाते हैं कि अगर तुम वहां नहीं गए तो पहले तो हम तुम्हें जॉब से निकाल देंगे और दूसरा तुम्हारे ऊपर झूठा केस का चार्जशीट लगा देंगे। अब यहां लोकहार्ट को तो अपनी जॉब को बचाना होता है। तो वो अगले ही दिन स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है जहां पर उसे उसी हॉस्पिटल का ड्राइवर रिसीव करने आता है। अब ये लोग जिस जगह जा रहे हैं वो असल में शहर से काफी दूर है जहां पर ना तो किसी भी तरह की सर्विस है और ना ही मोबाइल नेटवर्क। यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जिस जगह ये लोग जा रहे थे वो पहले एक ऐसे राजा का महल हुआ करता था जिसने अपनी ही बहन से शादी कर ली ताकि वो अपने वंश को आगे बढ़ा सके। लेकिन जब इस बारे में गाँव वाले को पता लगा तो उन्होंने उसके पूरे महल को जला दिया जिसमें उसकी बहन भी जिंदा जल गई, मतलब कि उसकी पत्नी। अब ये सब बातें सुनकर लोकहार्ट कहता है कि स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, क्या इसका सेकंड पार्ट भी मौजूद है। अब इतना कहकर फिर थोड़े दूर आगे जाने के बाद अचानक तभी एक लड़का उनकी चलती हुई कार पर बैलून फेंक देता है जो कि देखने में काफी अजीब लग रहा था। अब ये लोग इस अस्पताल में पहुंच चुके होते हैं जहां की गार्ड लोकहार्ट को बहुत ही गौर से देखता है। वो ड्राइवर से कहता है कि तुम यही रुको, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूं। इसके बाद वो अंदर जाकर मिस्टर पेमरिक के बारे में पूछता है तो लेडी बताती है, सर विजिटिंग कार्ड खत्म हो चुका है, आप कल आ सकते हैं। अब लोकहार्ट उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजर से है, उनसे कहो कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। ऐसा सुनकर वो उसकी मीटिंग करवाती है। कुछ देर बाद हम उसके मैनेजर के रूम में उसे देखते हैं जहाँ पर लोकहार्ट वहाँ पर लगी हुई कुछ फोटोज को बहुत ही गौर से देखता है जो बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसे देखते हुए मैनेजर कहता है कि कितना अजीब है ना कि लोग इतने दूर से बस पानी से इलाज करवाने के लिए यहाँ आते हैं। इस पर लोकहार्ट कहता है कि लेकिन मैं पानी से इलाज करवाने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर पेमरिक को लेने आया हूँ। पर मैनेजर उन्हें ले जाने से मना कर देता है। अब लोकहार्ट मैनेजर से बात करके बाहर निकलता है और इस बारे में अपने सीनियर से बात करता है पर इस जगह पर तो नेटवर्क ही नहीं आता। अब इसी दौरान उसके पास एक बॉल आती है जो कि एक बूढ़े आदमी ने खेलने के दौरान मारी थी। तो लोकहार्ट उस बॉल को ढूंढने के लिए झाड़ियों के बीच में देखने जाता है तो इस बीच उसे एक खुफिया गुफा नजर आती है जो दिखने में तो छोटी थी पर थोड़ी अलग तरह की थी। वो थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहता है लेकिन फिर इग्नोर करके कार से स्टेशन के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल की दीवारों पर खड़ी एक टीनेजर लड़की पर पड़ती है जो उसे हर दूसरी दीवार पर नजर आ रही थी। अब ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और ड्राइवर से कार तेज चलाने को कहता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कार के सामने एक हिरन आ जाता है और देखते ही देखते कार एक बड़े से खाई में गिर जाती है। अब सीन को चेंज किया जाता है और हम लोकहार्ट को जख्मी हालत में उसी अस्पताल में देखते हैं जहां उसका अब इलाज होगा। अब वो बेहोशी से उठने के बाद कहता है कि आज से पहले उसे इतनी अच्छी नींद कभी नहीं ली। तो उसके सामने वॉलमार नाम का एक आदमी कहता है कि तुम पिछले 3 दिनों से सो रहे थे। अब ये सुनकर लोकहार्ट अपने पैर चेक करता है तो उसे फ्रैक्चर हुआ था जिसके कारण उसे पैर में प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। अब वो डॉक्टर से अपने ऑफिस सीनियर्स को कॉल करने के लिए बोलता है तो वॉलमार बताता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे ऑफिस में कॉल कर दिया है, तुम्हें बस अब ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है जिसे तुम ठीक हो सको। इसके बाद लोकहार्ट को पानी पीते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए दिखाया जाता है कि वो बाहर लोगों को देख रहा है तो उसकी नज़र उस गुफा पर जाती है जिसे अब बंद किया जा रहा था और इसी दौरान उसे पानी में कुछ अजीब से कीड़े निकलते हुए भी दिखते हैं। फिर वो इस बात को इग्नोर करता है और अस्पताल में थोड़ा इधर उधर घूमने लगता है जहां उसे सारे लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे और एक साथ नहा भी रहे थे, अब चाहे वो औरत हो या फिर आदमी, जैसे कि ये हॉस्पिटल नहीं बल्कि कोई पिकनिक स्पॉट हो। अब वो थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे हिरन दिखता है, ये वही हिरन था जो उसकी गाड़ी से टकराया था। अब वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है, देखने से ये जगह कोई भूल भुलैया से कम नहीं थी। वो और अंदर जाता है तो उसे
अंत में मिस्टर पैमरिक बैठे हुए दिखते हैं। लॉकहार्ट उन्हें बताता है कि मैं न्यूयॉर्क से आपको लेने आया हूं, लेकिन मिस्टर पैमरिक कहते हैं कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं बीमार हूं। अब ये बात लॉकहार्ट को थोड़ा अजीब लगती है। वो कहता है कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद वो उनके साथ स्विमिंग एरिया में जाता है, जहां बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए जाने का इंतजाम करने के लिए वो रिसेप्शनिस्ट से कार का इंतजाम करने को कहते हैं। तो वो कहती है कि मैं जितना हो पाएगा उतना हेल्प जरूर कर दूंगी। अब जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ पर एक विक्टोरिया नाम की लेडी मिलती है, जो उसे पुरानी फोटो दिखाते हुए कहती है कि देखो, वो जो सामने चर्च है, वहीं पर राजा के विरोध करने पर एक पादरी को लटका दिया गया था। तो लॉकहार्ट कहता है कि वही राजा है जो अपनी बहन से शादी करना चाहता था। अब ये सुनकर विक्टोरिया शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम हो काफी इंटरेस्टिंग। अब उसके जाने के बाद लॉकहार्ट इस चर्च को बहुत गौर से देखता है, जिसके पीछे उसे एक हैना नाम की लड़की मिलती है और उससे वो जाकर पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर इलाज कराने आई हो। तो वो नहीं में जवाब देती है और कहती है कि मिस्टर वॉलमार कहते हैं कि मैं एक स्पेशल चाबी हूँ, मेरा इलाज वो खुद करेंगे। इसके बाद वो उसके पैर की चोट के बारे में पूछती है तो लॉकहार्ट कहता है कि अभी ठीक हो गया है, अब मैं जल्दी ही घर वापस चला जाऊंगा। तो हैना बहुत अजीब, हैना कहती है कि यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता जब तक वो राजी ना हो। इसके बाद लॉकहार्ट वहाँ से मिस्टर पैमरिक के रूम में जाता है, लेकिन वहाँ से वो गायब थे। तो वो सीधा डाइनिंग टेबल पर पहुँच जाता है और वॉलमार से मिस्टर पैमरिक के बारे में पूछता है। तो वो उसकी बातों को घुमाने लगता है और बताता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो हमने उसे इमरजेंसी वार्ड में डाल दिया। लेकिन लॉकहार्ट समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उस पर चिल्लाने लगता है। तो वॉलमार कहता है कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और तभी वो बेहोश भी हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वॉलमार उसका इलाज कर रहे होते हैं। अब इस दौरान लॉकहार्ट उसकी टेबल पर हैना की फोटो देखता है। तो वॉलमार बताते हैं कि ये मेरी स्पेशल चाबी है, जब वो 11 साल की थी तब से उसे एक ट्रॉमा है, वो मेरी बेटी जैसी है। इसके बाद वॉलमार लॉकहार्ट को एक ट्रीटमेंट के लिए करवाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो बाहर जाता है और तभी लॉकहार्ट उनके लॉकर रूम से मिस्टर पैमरिक की फाइल चुरा लेता है। जब वॉलमार वापस आते हैं तो वो उनसे एक लॉकेट के बारे में पूछता है जो राजा का था। वो बताते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन करते हमें मिला था और राजा ने ही हम सबको इस अनोखे पानी के बारे में बताया था। अब लॉकहार्ट उनसे भी वही सवाल करता है कि वही राजा जिसने अपनी बहन से शादी करी थी, जिसे सुनकर वॉलमार कुछ जवाब नहीं देते। अब लॉकहार्ट को एक टैंकर में उसके ट्रीटमेंट के लिए डाला जाता है, जहां बाहर उसे देखने के लिए एक डॉक्टर भी मौजूद था। लेकिन इसी दौरान वहां एक नर्स आ जाती है, जिसमें वो बिजी हो जाता है और यहां नीचे टैंकर में लॉकहार्ट को कुछ ईल मछलियां दिखाई देती है जो उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो डॉक्टर को आवाज लगाता है लेकिन वो तो उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था और चिल्लाते हुए तभी वो बेहोश हो जाता है। लेकिन सही समय पर वो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। तब लॉकहार्ट उन्हें बताता है कि नीचे कुछ बहुत ही अजीब सी चीज थी। डॉक्टर देखता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, शायद ये उसका एक वहम हो सकता है। अब इधर वो अपने रूम में आता है, जहाँ पर मिस्टर पैमरिक की फाइल ओपन करता है, जिसमें उसे एक एक्सेसरीज मिलते हैं जो कि दांत के थे, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से निकाला गया था। लेकिन इसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर देखता है तो उसी अस्पताल का गार्ड एक बॉडी को लेकर दूसरी गुफा में जा रहा था। अब ये सब देखकर लॉकहार्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बाहर असल में हो क्या रहा है। दूसरे दिन सवेरे वो बाहर आता है तो उसे विक्टोरिया मिलती है, जो कहती है कि तुम सही थे, पर इस जगह को जलाने की वजह उनकी बहन नहीं बल्कि कुछ और एक्सपेरिमेंट थे जो वो गाँव की लड़कियों पर कर रहे थे। लॉकहार्ट कहता है कि वो एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि वो इलाज ढूंढ रहे थे। सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है हैना पर, जिसे लॉकहार्ट कहता है कि तुम मुझे शहर ले जा सकती हो, और ऐसा बोलकर उसे एक डॉल देता है, जिससे वो मान जाती है और अपनी साइकिल से उसे शहर ले जाती है। यहाँ लॉकहार्ट एक बार में एक बियर ऑर्डर करता है और दोनों पीते हुए बातें करने लगते हैं। हैना बताती है वॉलमार हमेशा कहते हैं कि जब भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मेरे डैड मुझे लेने आएंगे। वॉलमार उसे हमेशा से एक लिक्विड पिलाते हैं जो कि अस्पताल में सारे लोग पिया करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद लॉकहार्ट कहता है कि तुम यहीं रुकना, मैं अभी आता हूँ। वो आगे पास एक डॉक्टर के पास जाता है जो असल में जानवरों का होता है। उसे मिस्टर पैमरिक की फाइल दिखाते हुए कहता है कि उनके दांत कैसे टूट गए। तो वो कहता है कि ये डिहाइड्रेशन की वजह से हुआ है, पर लॉकहार्ट कहता है कि अस्पताल में तो बहुत सारा पानी पिलाया जाता है, लेकिन इसके आगे वो डॉक्टर कुछ और बताने से इनकार कर देता है। तो लॉकहार्ट पूछता है कि ये कहीं किंग बोरोन के एक्सपेरिमेंट की वजह से तो नहीं हो रहा है, और राजा की वाइफ भी बीमार थी। तो डॉक्टर फौरन जवाब में बोलता है कि वो बीमार नहीं थी, वो बस बच्चे नहीं दे सकती थी। इसके बाद वो डॉक्टर उसे एक जानवर के पास लेकर जाता है जो बीमार था। उसके पेट को वो कट मारता है और उसमें से ढेर सारी ईल मछलियां बाहर आती है।
तो वो बताता है कि इसने उस अस्पताल का पानी पिया था। ये देखकर लोकहार्ट पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब हैना को दिखाया जाता है जो कैफे में डांस करने लगी थी, जिसे देखकर उसके आसपास कुछ लोग आ जाते हैं और उसे छेड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लोकहार्ट पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों वो इतने जल्दी में होता है कि सबसे पहले वो अपनी कंपनी में फोन लगाता है और तब उसे पता चलता है कि उसके बॉस को तो पता ही नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, मतलब वॉलमार ने उनसे झूठ बोला था। अब वो गुस्से में जाकर हैना से पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा था कि यहाँ से कोई वापस नहीं जाता, जवाब दो मुझे। और इसी दौरान वहाँ कुछ लड़कों से उसे लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर वॉलमार आ जाता है और उसे लेकर निकल जाता है। अब एक रात उसे बहुत ही भयानक सपना आता है और डर से वो उठ जाता है, लेकिन फिर से वही गार्ड को वो देखता है जो गुफा में फिर से कुछ लेकर जा रहा था। गौर से देखने पर उसे पता चलता है कि ये तो फिर से किसी की बॉडी लेकर जा रहा है। लोकहार्ट समझ चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रही है। लेकिन इसी दौरान उसके भी दांत में दर्द शुरू हो जाता है। वो हल्के से अपने दांत को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दांत उसके हाथ में आ जाता है। अब उस दांत को लेकर वो नीचे रिसेप्शन पर जाता है और इसी बीच वो लेडी अंदर की ओर जाती है, तो इस मौके का फायदा उठाकर लोकहार्ट चेक कर लेता है कि मिस्टर पेमरिक किस वार्ड में है। अब इधर जांच पड़ताल छानबीन करने के बाद उसे एक रूम में विक्टोरिया मिलती है जो देखने से बहुत ज्यादा कमजोर दिख रही थी, और जब उसे नजदीक जाकर उसे देखता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है कि किंग बोरोन की पत्नी मरी नहीं थी बल्कि उसे मारा गया था और उसके पेट को फाड़कर बच्चे को निकालकर पानी में फेंक दिया गया था। फेंकने के बावजूद भी वो बच्चा जिंदा था। इतनी बात ये लोग कर ही रहे थे कि तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और अचानक से वो जल्दी से जाकर एक रूम में छुप जाता है कि तभी उसे फाइनली मिस्टर पेमरिक मिल जाते हैं। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पूरे तरीके से अपने होश को खो बैठे हैं। उन्हें एक ट्यूब में कैद करके रखा हुआ था। अब इधर लोकहार्ट कुछ कर पाता तब तक वॉलमार उसे देख लेता है, लेकिन लोकहार्ट उसे झूठ बोलता है कि उसके दांत में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वॉलमार उसे लेकर ऐसे रूम में जाता है जहां लोग जबरदस्ती उसके दांत में छेद कर देते हैं। अब इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वही ड्राइवर फिर से किसी और को लेकर यहां ड्रॉप करता है और तभी लोकहार्ट अचानक से उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाता है और सीधा उसे पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है। वहां जाकर लोकहार्ट पूरी सच्चाई पुलिस ऑफिसर को बताता है, जिसे सुनकर पुलिस कहता है कि ठीक है तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। यहां हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर भी वॉलमार से मिला हुआ था और इधर लोकहार्ट को मजबूरन फिर से अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब लोकहार्ट को भी यकीन होने लगा था कि वो भी दूसरे लोगों की तरह बीमार होते जा रहा है और ये सब चीजें इस पानी की वजह से हो रही है जिसे रोज पिलाया जाता है, पर अब जो भी हो उसका प्रॉपर इलाज शुरू हो चुका था। एक दिन ऐसे ही लोकहार्ट अपने रूम में बैठा हुआ कुछ लिख रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि मैं अब यहाँ का सच दुनिया के सामने बाहर ला कर रहूंगा, और ऐसा सोचते हुए पानी से भरे गिलास को तोड़ देता है और अपने फ्रैक्चर वाले प्लास्टर को टूटे हुए गिलास के कांच के टुकड़े से काटने लगता है। प्लास्टर काटने के बाद वो अपने पैरों को देखता है कि उसका पैर तो कभी टूटा ही नहीं था, वो तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ फिर से सामने आता है। अब रात के अंधेरे में वो उसी गुफा में जाता है जहाँ गार्ड हर रात को एक नई बॉडी लेकर जाता था। अंदर जाने पर वो देखता है कि ये जगह तो काफी बड़े एरिया में फैली हुई है। यहाँ पर इल्स मछली पर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। वहीं पर कांच के छोटे छोटे बर्नर में छोटे बच्चे भी दिखते हैं जो मरे हुए थे। थोड़ी दूर आगे देखने पर उसे एक फोटो फ्रेम नजर आती है जो शायद किंग बोरोन की वाइफ की थी, यानी कि उसकी बहन की, लेकिन ये औरत सेम टू सेम हैना की हमशक्ल लग रही थी। अब ये सब देखने के बाद जब वो नीचे की ओर आता है तो उसे विक्टोरिया की बॉडी नजर आती है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी से तो कंप्लीट ब्लड निकाला जा चुका है जिसके कारण उसकी बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी। अब तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है जो उसकी बॉडी को पानी में डाल देता है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते मछलियों का झुंड वहाँ आ जाता है जो उस बॉडी को खाने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो लोकहार्ट को देख लेता है और उन दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इस लड़ाई में गार्ड लोकहार्ट के द्वारा मारा जाता है। इधर दूसरी तरफ हैना को दिखाया जाता है जो स्विमिंग कर रही होती है कि तभी नेचुरल वुमेन्स प्रॉब्लम की वजह से वहाँ का पानी धीरे धीरे रेड हो जाता है और तभी वहाँ पर इल्फिश आ जाती है, लेकिन ये उसे काटती नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है जैसे मानो उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। हैना इससे डर के बाहर आ जाती है और भागते हुए डाइनिंग हॉल में आ जाती है। अब ऐसी हालत को देखते हुए वॉलमार उसे एक क्लीन क्लॉथ देता है। अब कुछ देर में वहाँ लोकहार्ट भी पहुँच जाता है और वहाँ पर बैठे सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि असल में आप लोग जो पानी पी रहे हो वो पानी नहीं बल्कि इल्फिश का पानी है। तुम्हें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं है बल्कि इस पानी पीने की वजह से तुम दिन पे दिन बीमार होते जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकहार्ट के इतने पर से भी लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते बल्कि उसके ऊपर ही गुस्सा करने लगते हैं। अब जब उसकी आँखें खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल के एक ट्रांसफ्यूजन रूम में अपने आप को पाता है जहाँ वॉलमार उसके मुँह पर एक पाइप डालता है जहाँ ढेर सारे इल्फिश को उसके मुँह में डालने के प्रोसेस में
लगा होता है और ये सब करने के दौरान वॉलमार वो सब उसके एलिगेशन को मानता है कि तुमने जो जो भी कहा वो बिल्कुल सच है, यहाँ वही सब होता है जो तुमने अपनी आँखों से देखा है। वो बताता है कि मैं किंग बोरोन के एक्सपेरिमेंट को ही कर रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि वो जबरदस्ती करता था और मैं लोगों को यकीन दिला देता हूँ कि वो बीमार है और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। और ये भी बात सच है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ जो कि बहुत अमीर हैं और अकेले हैं। और इसके बाद वो उसे इल्फिश के बारे में भी बताता है कि कैसे वो दुनिया के और पानी में एक या दो साल तक जिंदा रह पाती है, लेकिन वो यहाँ के पानी में 250 से 300 साल तक जिंदा रहती है। और फिर हम उस पानी को इंसानों के शरीर में डालते हैं और फिर कुछ समय बाद उसे छान कर एक अलग तरह का फ्रेश पानी निकालते हैं और बॉडी को फेंक देते हैं। यहाँ हमें इस छोटे से बॉटल में एक एक बूंद पानी को प्यूरिफायर होते हुए दिखाया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस पानी को पीने से इंसान की उम्र बढ़ाई जा सकती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और वॉलमार को हैना को एक ड्रेस देते हुए देखते हैं। वो कहता है कि अब समय आ गया है, लेकिन किसका समय आ गया है? खैर, इसके बारे में आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ से सीन आगे की ओर बढ़ाया जाता है और हम लोकहार्ट को देखते हैं जिसके पास हैना आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ से गए क्यों नहीं, तो वो कहता है कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस क्यों जाएगा। इस बात से हैना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे भरोसा दिलाया था कि तुम मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, पर तुम भी औरों की ही तरह निकले। अब रात को वॉलमार एक पार्टी रखता है जिसमें वो हैना के साथ डांस करता है। इसके बाद वो उसी गुफा में ले जाता है जहाँ पर एक बेड लगा था जो बहुत ही पुराना था। वो कहता है कि यहाँ लेट जाओ, तुम्हारी शुरुआत यहीं से हुई थी, यहाँ उसने हैना से शादी कर ली थी। उधर हम लोग लोकहार्ट को देखते हैं जिसके दिमाग में विक्टोरिया की कही हुई बात याद आती है, जिसने कहा था कि रानी का बच्चा जिंदा था पर पानी में फेंकने के बावजूद वो जल्दी से एक कमरे में जाता है जहाँ पर उसे पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें एक आदमी मुंह पर पट्टी बांधे खड़ा था। अब जब उसे पूरी पेंटिंग को खोलता है तो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो कोई और नहीं बल्कि हैना थी। अब यहाँ से उसे समझ आ जाता है कि असल में वॉलमार और हैना कौन है। वहीं इधर नीचे हम देखते हैं कि वॉलमार हैना के साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी वहाँ पर लोकहार्ट पहुँच जाता है। वो हर तरफ पेट्रोल गिरा देता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई पता चल गई है कि हैना तुम्हारी बेटी है और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और यहाँ खुलता है इस कहानी का पूरा सच। तभी वॉलमार अपनी फेस की स्किन हटा देता है, मतलब कि वॉलमार ही किंग बोरोन है। और जब महल में आग लगी थी तो किंग वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसकी बहन यानी कि उसकी वाइफ मारी गई थी, लेकिन उसका बच्चा सरवाइव कर गया था। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैना ही थी जिसको बिना बूढ़ा किए हुए 250 सालों से वो जिंदा रख रहा है, वही ईल के पानी से। वही रोज ना जाने कितने लोगों को मार कर उस पानी को निकालता था। वो हैना के साथ रिश्ता इसलिए बनाना चाहता था ताकि उसके बच्चे प्योर ब्लड के हों, उसके खानदान में किसी बाहर वाले का खून ना आए। अब इन सब के बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लोकहार्ट लाइटर गिरा देता है और हर तरफ आग लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर वो हैना को बचाने जाता है। लेकिन तभी पीछे से वॉलमार आ जाता है और उसे घसीटता हुआ उसी इल मछली के पानी के पास ले जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि पीछे से हैना किंग को पापा करके बुलाती है। ये सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो हैना उसे मार कर उसकी खोपड़ी खोल देती है, जिससे वो सीधा पानी में गिर जाता है और इल मछलियाँ उसे खा जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और पीछे हम वही 250 साल पहले वाला वाकया दोबारा देखते हैं जब पूरे अस्पताल में आग लगी थी। लेकिन वो दोनों साइकिल से वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन तभी दोस्तों उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है और ये असल में लोकहार्ट के कंपनी वाले लोग थे जो उसे और मिस्टर पैमरिक को यहाँ से लेने आए थे, लेकिन इन्होंने आने में देर कर दी क्योंकि मिस्टर पैमरिक तो मारे जा चुके हैं। लेकिन लोकहार्ट को देखकर बॉस उसे अपने साथ चलने को कहते हैं ताकि जो भी कंपनी का नुकसान हुआ है वो उसके ऊपर डाल सके, जैसे कि उन्होंने कुछ साल पहले उसके पिताजी पर डाला था और जिसकी बदनामी की वजह से बाद में उन्होंने खुद की जान ले ली। अब ये सब होते हुए वो हैना को लेकर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। अब इस तरह उसे जाते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।